जिन्होंने वाकई में संघर्ष और लड़ाई लड़ी है और विजय भी हासिल करी, उसमें से एक महिला आशा सिंह जी है और उनके परिवार ने बहुत ही बड़े राजनीतिक परिवार से, राजनीतिक हस्ती से लड़ाई लड़ी और न्याय की गुहार लगाई। और ऐसी महिलाओं के हाथ में सत्ता की ताकत देना, उनको सशक्त बनाने का बात ही लड़कियों लड़ सकती है। और इसी के संदर्भ में मैं आज उन्नाव में उनके पक्ष में प्रचार करने आई थी और यहाँ पर आप लोगों से मुखरित होकर फिर से जनता से अपील करती हूँ आपके माध्यम से कि इस लड़ाई को, उनके इस जज्बे को जरूर अपना आशीर्वाद दें। मैडम, उन्नाव में एक दलित युवती की हत्या हो जाती है, उसका शव एक सपा नेता के खेत में पाया जाता है, किस नजरिए से देखती है? मैंने इस खबर के बारे में पढ़ा और मुझे इसके बारे में पता चला और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ये वाक्य आया कि ऐसा क्यों है भाजपा नेता ने जो जिसको पीड़ित किया वो मेरे बगल में बैठी हुई है, सपा नेता की आप बात कर रहे हैं उनके माध्यम से ये खबर आई है, ऐसा क्यों है कि हर बार पीड़ित होने की नोक पर औरत ही होती है? ये सपा बनाम भाजपा बनाम बसपा बनाम कांग्रेस नहीं है, ये औरत की लड़ाई है। ऐसा क्यों है कि एक आदमी को लगता है कि वो एक औरत के साथ ये कुकर्म कर देगा और राजनीतिक संरक्षण के चलते वो बच जाएगा? इसी को खत्म करने का नाम लड़की हूं लड़ सकती हूं है। हमारा अपना मानना है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं राजनीति में आएंगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी, नौकरी करेंगी, सशक्त होंगी, आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, उतना उनके खिलाफ अपराध कम होगा। और उसी का नाम शक्ति विधान है, उसी का नाम प्रियंका जी का ये कदम है जो मुझे लगता है भारतीय राजनीति में बहुत निर्णायक मोड़ लाएगा। जो आपका सवाल है, कानून की जिस तरह से धज्जियां उत्तर प्रदेश में उड़ी हुई हैं, वो चाहे हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे लखीमपुर हो, चाहे मनीष गुप्ता का हत्याकांड हो, चाहे विवेक तिवारी का हत्याकांड हो, चाहे अरुण वाल्मीकि का हत्याकांड हो, पूरी तरह से उजागर है। तो ठोकों की तरह से कानून व्यवस्था नहीं चलती, कानून व्यवस्था की धज्जियां आपके उन्नाव में एक बार फिर से उड़ी हैं। ये कानून व्यवस्था का मामला है, सरकार को संज्ञान लेकर इसकी बिल्कुल तफ्तीश करानी चाहिए।